जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोवी में 4 से 12 नवंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सहकार्तिक उद्यापन यज्ञ के चतुर्थ दिवस गुरुवार को यज्ञाचार्य व्यास दिनेश शास्त्री ने संगीतमय अमृतमय हृदय स्पर्शी कथावाचन के दौरान भगवान विष्णु के अवतारों से अवगत कराते हुए कहा कि यज्ञ से मानव में नकारात्मक स्वभाव आसुरी शक्तियों का संहार, सकारात्मक विचार सद्भाव का संचार होता है। सोमवार को भव्य कलश यात्रा जनार्दन पांडे के कुशल मार्गदर्शन में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला युवतियों ने भाग लिया। मुखिया नकुल कुमार पासवान ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कहा कि यज्ञ से ग्राम में शांति समृद्धि सद्भाव होता है। प्रतिदिन कथावाचक के पूर्व भजन संध्या में स्थानीय कलाकार संपूर्णानंद प्रसाद बबलू द्वारा सुमधुर भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते रहते हैं। मंच संचालन योगेश कुमार पांडे निराले अंदाज में कर रहे हैं। आकर्षक मनमोहक झांकी चर्चा का केंद्र बिंदु है। श्याम बिहारी ऑर्गन, हौसला प्रसाद तबला, श्याम सुंदर पेट पर संगीत निभा रहे थे। यज्ञ आयोजक बबलू पांडे सपत्नी परिजनों के साथ भक्ति में लीन है। सफल आयोजन में जनार्दन पांडे, धनंजय पांडे, भविष्य पांडे, राजकुमार राम सहित ग्रामवासी अहम भूमिका निभा रहे थे। धार्मिक कार्यों में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गिरिडीह झारखंड से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सरस्वती तट पर ग्रंथ की रचना हुई, गंगा के तट पर इसके जस को गाया गया और यमुना के तट पर भगवान कृष्ण ने लीला का स्मरण किया था, लीला किया था। इस कारण से गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है श्रीमद् भागवत। जो सच्चे हृदय से, सच्चे भावना से, सद्भावना पूर्वक श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ की ये कथा को श्रवण किया है, भगवत चर्चा को सुना है, उसे कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो कहीं रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों में नहीं गया, क्योंकि वहां जाने से हमें बहुत अधिक रकम की आवश्यकता है, धन है हमारे पास नहीं। अगर यदि धन नहीं है, यदि सद्भावना पूर्वक भागवत कथा जहां हो रही हो, सच्चे भाव से यदि आप कथा को श्रवण किए हैं, तो जो फल प्राप्त आपको अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होगा, जो फल रामेश्वरम यात्रा करने से प्राप्त होगा, जो फल बद्री विशाल का दर्शन करने से प्राप्त होगा, जो फल अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा आदि जाने से प्राप्त होगा, वही फल आपको श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से प्राप्त होगा। वह स्थान पवित्र हो जाता है जहां पर भगवत चर्चा होती हो। आज हम सब भागवत की कथा को सुनने के लिए, गाने के लिए यहाँ एकीभूत हुए हैं।